हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक टीवीएस मोटोकॉप की बेस्ट बाइक टीवीएस अपाची आरकेआर 160 V6 वाला वेरिएंट है। प्रूफ तरफ आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे थ्रोटल बॉडी वाला एरिया है इनबिल्ट, अगर देख सकते हैं। और अगर आपको दिखा दूँ और प्रूफ, तो देख सकते हैं टीवीएस का लोगो लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैसे इसका की ऑन करते हैं तो सारा फंक्शन ऑटोमेटिक अच्छी तरह से वर्क करता है। अगर आपको देखते हैं कंसोल मीटर में चेकिंग लाइट देख सकते हैं, सारा चीज़ अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। एक चीज़ का इसमें प्रॉब्लम है, जैसे इसमें गियर में है गाड़ी, अगर आपको दिखा दूं देख सकते हैं, आगे दबी देख सकते हैं ये गियर में है। गियर में रहने के बावजूद भी ये न्यूट्रल का पोजिशन असेंबल दिखाई देता है। इसी के बारे में डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि मतलब गियर में न्यूट्रल बत्ती नहीं जलना चाहिए ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको देख सकते हैं इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो फाइनल में स्क्रू इसमें लगा हुआ है। चलिए फट से इसको ओपन करते हैं, इसको मतलब आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो फाइनल है कुछ इस प्रकार से ओपन कर लें इजिली। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसको गियर में प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिक जल जाता है न्यूट्रल लाइट। गियर जैसे मतलब दबाएंगे तो न्यूट्रल बत्ती जो है ऑफ हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं चूहा जो वायर कट कर दिया, कौन सा वायर है देखना पड़ेगा। तो चलिए इसका इस ढक्कन को खोलेंगे, चूँकि बॉडी में कहीं मतलब तार जो है टच नहीं हो गया होगा। तो इसका चलिए इस पॉकेट का ढक्कन ओपन कीजिए। तो फ्रेंड इसका जो इस पॉकेट का ढक्कन जो ओपन कर ले कुछ इस प्रकार से, जो न्यूट्रल वाला यहाँ से जो स्विच का जो वायर है, अगर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो वायर है, ये वाला न्यूट्रल वाला वायर है, इसका कॉर्ड जो है ये है। तो चलिए इसको पहले ओपन करके देखते हैं और मीटर में क्या कंडीशन है। जरे से इसको पुश करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, कंपनी रिकमेंडेड। जड़े से पुश करना, चलिए इसको ओपन करते हैं गियर में। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो जैसे इसको पुश किए ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। तो चूँकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा था इसके थोड़ा सा टफ हो जाता है खोलना। और जैसे इसका मीटर में देख सकते हैं ये पूरी तरह से गैप हो गया न्यूट्रल वाला पोजिशन। और जैसे इसको चलिए इसको जोड़ो जरा, इसको जैसे जोड़ेंगे मीटर में आ जाएगा न्यूट्रल का पोजीशन। अच्छा गियर में गाड़ी है, गियर में नहीं आना चाहिए न्यूट्रल का पोजीशन, देख सकते हैं न्यूट्रल का आ गया और ये गियर में है। अगर आपको दिखा दूँ व्हील घुमा के देख सकते हैं ये गियर में। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है इसका स्विच में है। तो सबसे पहले इसको स्विच को ओपन करना पड़ेगा और क्लीन करते हैं इसको। ATM का बोल्ट नट इसमें टाइट है, इसको ओपन करो। हेलो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो ATM का बोल्ट इस प्रकार से ओपन है, थोड़ा सा टफ है खोलना क्योंकि फर्स्ट टाइम खोल रहा है। फर्स्ट टाइम का मजा है, खोलना टूट जाएगा। तो इसका जो और नट है और एक ATM का बोल्ट है, तो फ्रेंड देख सकते हैं इसके जो ATM का जो बोल्ट है इसको ओपन कर लिए। न्यूट्रल वाला देख सकते हैं यही जो डिटेक्ट करके इसको बताता है कि मतलब मेरा गाड़ी जो है न्यूट्रल में है कि गियर में है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे क्योंकि देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट रस्ट है। तो चलिए क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जैसे इसका गियर में डाले हैं ये देख सकते हैं न्यूट्रल वाला पोजिशन चला गया। जैसे व्हील को घुमाएंगे ये न्यूट्रल हो गया, देख सकते हैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करें ये न्यूट्रल हो गया है। और जैसे इसको गियर में दाबेंगे ये गियर में आ गया है, इसका मीटर में जो है न्यूट्रल वाला पोजीशन चला गया। तो
यहाँ का जो स्विच में जो डस्ट पार्टिकल के वजह से इसका जो ये सेंस नहीं कर पाता था कि मतलब मेरा गाड़ी जो है न्यूट्रल में है कि गियर में है। तो अगर यदि अगर आपकी भी गैराज में इस तरह मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़े आपको, तो सबसे पहले इसके स्विच को निकाल के अच्छी तरह डस्ट को क्लीनिंग करें, इसके बाद तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो फ्रेम देख सकते हैं इसका, 8mm का जो बोल्ट है कुछ कार से स्कूट दोनों क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे सेम टू सेम, ताकि जो स्विच है अच्छी तरह से टाइट नहीं करने के बाद फिर से दोबारा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए अच्छी तरह से टाइट करते हैं। तो फ्रेम देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम था इसमें प्रॉपर अच्छी तरह से सही हो गया है, और इस वीडियो से जरूर कुछ हेल्पफुल भरी जानकारी मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।